आज मैं आप लोगों के लिए हुदा ब्यूटी का शॉपिंग हॉल लाई हूँ। फ्लैट 50% ब्लैक फ्राइडे सेल थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ जो है हम लोग थोड़ी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अभी मैंने पैकेज खोला नहीं है। ये इनका एक आउटर बॉक्स था, इसके अंदर इन्होंने इस तरह ये ब्लैक कलर का बहुत ही प्यारा साइड पेपर है, लेकिन इसके ऊपर ये लिप्स बने हुए हैं हुदा ब्यूटी के जो सिग्नेचर हैं वो। तो अब इसको मैं खोलती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने इनका ये देखा ही होगा, ये है इनका ये पाउच जिसके अंदर मेरे ख्याल में एक सेट होती है और शायद सात लिपस्टिक का सेट है। ये बहुत ही मजे का एक पाउच सा बना हुआ है और अच्छा क्वालिटी भी अच्छी है, कोई मतलब सिर्फ बेचारी सी कोई क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। बैग की तरह से बना हुआ है पाउच तो ये मुझे अच्छा लगा है। इस तरह से इसके हैंडल्स हैं बैग की तरह ही और अच्छी इसमें ये दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास ब्राउन लिक्विड मैट मिनीज हैं और साथ ही इसके है ये ब्राउन आई शेडो पैलेट। मैं आप खोल के दिखाती हूँ, ये देखें और इट्स सो प्रिटी, बहुत ही प्यारी बनी हुई है ये। यहाँ से खुलेगी ये आई थिंक सो फुल प्राइस मुझे याद नहीं। अभी इन्होंने साथ मुझे वो भी भेजी है एक क्या कहते हैं रसीद सी बना के, मैं आप लोगों को उस पर देख के तो बताती हूँ। ओप्स लूपर ये गिर गई थी। ये है शेड्स हैं हुदा के, ये इसका ब्राउन है, ये मैंने मस्टर्ड वाली मंगाई थी एक, जो ये मस्टर्ड सा कलर है ये सब में नहीं होता तो ये मंगाया था। एक शिमर को स्वाच कर लेते हैं। ये है इनका शिमर, ये सही सनलाइट में है विदाउट एनी फिल्टर तो ये अच्छा शिमर है इसका। तो ये है इनकी एक पैलेट और जी साथ में हमें मिलता है इनकी ये मिनीज लिपस्टिक्स की। ये है एक दो तीन और चार शेड्स हैं इसमें। एक है इसमें ये हर मेजेस्टी, एक है ट्रेंड सेटर और एक है अल्फा फेमे और ये है ऑन टॉप। ये सब पिंक और न्यूड्स वगैरह वाले कलर्स हैं। अच्छा इनकी ना जो ये वाले हैं ना इसमें आप पैलेट चेंज कर सकते हो लेकिन जो लिप शेड्स हैं वो सेम ही रहते हैं, तो अगर आप लोगों ने भी ऑर्डर करना हो ना तो आप लोग कर सकते हो। लेकिन ये है कि लिपस्टिक्स के शेड्स तीनों किट्स के साथ सेम है, आप किट के कलर चेंज कर सकते हो। ये और जी ये है द लास्ट वन, बहुत डार्क है। ये है हर मेजेस्टी या ये इसके कलर्स हैं। आई थिंक ये पिंक वाले ऑन टॉप तो बहुत ही प्यारा है, बाकी आप इसको मिक्स एंड मैच करके लगा सकते हो तो अच्छा शेड बन जाता है। तो इसको हम साइड पे कर देते हैं। ये इसका बैग, बैग बहुत प्यारा था, अक्सर लोग बैग वगैरह देख के ऑर्डर करते हैं तो ये अच्छा था। अच्छा जी इसके बाद एक साथ मैंने टॉट बैग था इनका वो ऑर्डर किया था, मैंने कहा चलो किसी को गिफ्ट वगैरह देने के काम आ जाता है कोई बच्चों वगैरह को। ये कोई मेरे ख्याल में $15 का था लेकिन ये मिला मुझे सिर्फ और सिर्फ $3 का है। इस पर आई थिंक 70% या 80% ऑफ था और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये साथ आपका टैग होल्डर है और साथ ये बैग है, कोई बच्चे वगैरह कोई चीज़ ले सकते हैं, बड़े भी ले जा सकते हैं। अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, पैसे भी अच्छा है। बाकी जिसकी भी आपने प्राइस पूछनी हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं आप लोगों को उसकी प्राइस भी बता दूंगी। अब ये हमारा एक और पैकेट है, इसके अंदर है ये एक क्याली इनका जो ब्रांड इन्होंने सब ब्रांड सा लॉन्च किया था उसकी ये परफ्यूम है। आई थिंक ये मटेरियल मुझे साथ इन्होंने फ्री दिया है इतनी शॉपिंग के बाद। ये अच्छा ये इस तरह है, ये रोल ऑन है, आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हो इस तरह ना, ये इसके ऊपर ये बना हुआ है तो
इसको आप लोग इजीली यूज़ कर सकते हो। तो ये मुझे अच्छा लगा है, अक्सर बंदा बैग में रख लेता है तो इजीली बंदा यूज़ कर सकता है। इसको यहाँ पे करती हूँ, खुशबू बहुत प्यारी है, बहुत सॉफ्ट सी, बहुत प्यारी सी सेंट है इसकी। ये क्याली स्वीट डायमंड यूटोपिया वेनीला कोको इसका है, स्वीट डायमंड, एक तरफ स्वीट डायमंड है एक तरफ यूटोपिया है, उसमें वेनीला और कोको के नोट्स हैं और इसके अंदर पिंक पेपर नोट्स हैं जो इस तरफ है। तो ये अच्छा लगा मुझे। अब इसके बाद हमारे पास आता है, ये एक मैंने शार्पनर मंगवाया था पेंसिल्स के लिए, पेंसिल को शार्प करने के लिए, मैंने कहा वो एक अच्छी उसका हो। ये भी मुझे मेरे ख्याल में $2 का मिल गया था या 1 का था सेल पे, तो ये मैंने एक ऑर्डर किया था। ये ना अच्छा है, ये क्वालिटी भी अच्छी है। और ये इन्होंने, ये भी एक गिफ्ट है, सैम्पल है विशफुल जो इनका एक और है, इसमें ये है रोज़ ऑयल का सैम्पल है, ये अब यूज़ करेंगे तो आपको बताऊँगी। और ये है रोज़ गोल्ड पैलेट रीमास्टर्ड हुदा ब्यूटी की, इसके बहुत सारे ड्यूब्स निकले और ड्यूब्स लिटरली बहुत अच्छे हैं, जैसे मिस रोज ने निकाला था वो भी बहुत अच्छा था। अब आप लोगों को ये जो शोर आ रहे हैं ना, ये स्कूल में छुट्टी हुई है और बच्चों का थोड़ा थोड़ा सा शोर है, लेकिन इस टाइम लाइट अच्छी होती है, मैंने कहा आप लोगों को स्वेचेस वगैरह अच्छे नजर आएंगे। तो ये पैलेट है और ये इस तरह इसके यहाँ पे मिरर है और ये इसके साथ ये टैग कार्ड था, ये आप लोगों को पता ही होगा, ये बहुत ही प्यारी सी आई शेडो पैलेट है। इसके हम स्क्रैच कर लेते हैं, ये डार्क पिंक है, ये एक क्रीमी ग्लिटर है। ये जो सारी ऊपर वाली रेंज है ना, ये दुबई फ्लिंग ट्रस्ट फंड रोज गोल्ड पिंक डायमंड 24K और ये तीनों ब्लेस्ट मून डस्ट और बबली, ये सब क्रीमी शिमर्स हैं। तो ये मुझे अच्छे लगे थे इनके ना, ये देखें इसका मतलब, ये हल्का सा स्वैच है और ये देखें हल्का सा टच किया और इनका पिगमेंट इतना अच्छा है। ये कॉपर से शेड है एक, वो जिसका नाम है ब्लेस्ड, इनका ब्लैक भी कर लेते हैं। फुल्ली पिगमेंटेड अब पैलेट है, तो ये मुझे अच्छी लग गया, ये मुझे ऑलरेडी अच्छी लगती थी, ये बहुत एक्सपेंसिव थी, आई थिंक सो $65 की है और मुझे अभी मिली है ये $15 या $16 की, इस पर भी मेरे ख्याल में 70% ऑफ था। तो आप लोग अगर चाहो तो ये ले सकते हो, अभी भी आई थिंक सो सेल इज़ ऑन, जाके आप लोग चेक करो और ले लो। और क्योंकि पाकिस्तान में, आई नो कि पाकिस्तान में जो यहाँ से पैलेट्स जाती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव करके बेचते हैं, उनका भी कोई कसूर नहीं है क्योंकि शिपिंग बढ़ती है, टैक्स बढ़ते हैं, लेकिन यह है कि अगर आप सेल में लेना चाहो तो ये मेरे ख्याल में आपको 2500 या 3000 की आराम से मिल जाएगी। वरना मैंने देखा था जब ये नहीं आई थी, लोगों ने ये 15000 की भी पाकिस्तान में सेल की थी। तो ये है कि अगर आपको अच्छी प्राइस, कम प्राइस में मिल जाती है तो फिर वाई नॉट, क्यों नहीं हम ले सकते। तो ये था आज का हॉल, ये था आज का शॉपिंग हॉल हुदा ब्यूटी का। आपको अच्छी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरे चैनल पे दूसरों को भी लाएं, दूसरों को भी दिखाएं। और जो आप लोगों को चीज़ देखना चाहते हो, कोई कंटेंट देखना चाहते हो, स्किन केयर व्लॉगिंग हर चीज़, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर नेक्स्ट वीडियोज़ हम उस पर बनाएंगे। ओके, अल्लाह।